Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Nazia Khan, Head Corporate Communications, Your Club Pakistan and Management House. And I'm here again with another amazing episode of Coffee with CEO with a young entrepreneur from one of the renowned group of Pakistan, Bean Group. Aisa hi hai na Faisal? So please welcome Faisal from Bean Group. Faisal Javed. और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान में दीन ग्रुप को नहीं जानता होगा. ऐसा ही है ना फैसल? माशाल्लाह जी, अल्लाह ने इज्जत दी है. हाँ जी, बहुत ज्यादा इज्जत दी है. व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, दीन ग्रुप इज वन ऑफ द रिनाउंड ग्रुप इन पाकिस्तान. सो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू फैसल फॉर गिविंग टाइम टू सी योर क्लब. थैंक यू फॉर कमिंग जी, और थैंक यू आप लोग इंटरव्यू करने आए, आप लोगों ने रिस्पेक्ट दिया और आप लोग आए. एंड सच अ ब्यूटीफुल व्यू. वी आर इन द हेड ऑफिस ऑफ दीन ग्रुप इन लाहौर और इन ऑफिस ऑफ फैसल जावेद. सो फैसल जावेद इज डायरेक्टर इन दीन ग्रुप. ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ दीन ग्रुप. ही इज द डायरेक्टर इन दीन टेक्सटाइल मिल्स, दीन डेवलपर्स एंड दीन फार्म प्रोडक्ट्स. ऐसा ही है जी. और दीन एनर्जी भी एक है हमारा, विंड पावर का काम कर रहे हैं. वैसे तो माशाल्लाह विद द हिस्ट्री ऑफ सो मेनी अदर वर्क्स एज वेल एंड माशाल्लाह इन सोशल वर्क एज वेल व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. फैसल, मैं सबसे पहले तो आई वुड लाइक मी माई सेल्फ एंड आई वुड लाइक यू टू टेल द व्यूअर्स एज वेल, आपने इतना कुछ पढ़ा तो व्हाई डोंट यू टेल अस हाउ यू बिगिन. मेरी जी कनाडा में हाई स्कूलिंग हुई और उसके बाद मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई से अपनी ग्रेजुएशन की. अच्छा. जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरी कराची में भी ट्रेनिंग रही एक साल. मैंने तो कुछ दोहा का भी वहाँ पे कुछ देखा था. उसके बाद मैं फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई से, क्योंकि मेरी वहाँ ट्रेनिंग रही कराची के बाद, मैं फिर अपना लाहौर मूव हो गया. और लाहौर में जब मैं मूव हुआ तो शुरू में मैं ट्रेनिंग में था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गया, अलग अलग जगह में मेरा जाना हुआ. वंस सब जगह में मेरी ट्रेनिंग वगैरह हो गई, उसके बाद पे फुल टाइम मेरे जिम्मे रिस्पांसिबिलिटीज वगैरह हुई. टेक्सटाइल वगैरह को मैं देख रहा हूँ. एक मेरे जिम्मे मैं समझता हूँ, एक ग्रुप ने खासतौर पर मेरे कजन तनवीर भाई हैं जिनने मुझे काम में बड़ा सिखाया. उन्होंने एक बहुत बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी, वो कॉटन बाइंग ग्रुप की देखा करते थे. अच्छा. तो कॉटन बाइंग उन्होंने कहा फैसल आज से आप देखोगे. तो कॉटन बाइंग इन द बिगिनिंग, शुरू से ही कुछ साल ट्रेनिंग के बाद फिर कॉटन बाइंग मेरे जिम्मे की. तो पूरे ग्रुप की हमारे जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनकी मैं कॉटन बाइंग वगैरह करता हूँ. तो उसके अलावा भी टेक्सटाइल वगैरह को मैं देख रहा हूँ. बट ये एक अल्लाह ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी और शुरू में मैंने उसमें बहुत मेहनत की सीखने के लिए. और फिर मैंने प्रूव किया, जब उसमें रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए तो बोर्ड को और ग्रुप को उसमें बहुत अच्छा लगा. तो आज माशाल्लाह मेरे जिम्मे पूरे ग्रुप की ये परचेज वगैरह सारी कॉटन की है. जो कहते हैं ना 70% टेक्सटाइल का प्रॉफिट या लॉस है तो कंट्रीब्यूशन गोज टू कॉटन. जिम्मेदारी वगैरह मिली है. सो कैसा लगता है आपको यंग एज में इस तरह एंटरप्रेन्योर बनना? हाउ डू यू फील? लेकिन जी बिजनेस करके बहुत अच्छा लगता है. एक तो आप काफी लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स देते हैं. आप अगर एक बंदे को जॉब देते हैं तो टेक्निकली आप उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं. जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं तो आप मुल्क में टैक्स पे करते हैं, अल्लाह आपको मौका देता है, आप सोशल वर्क करती हैं, आप अच्छी जगह कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं. पाकिस्तान हमारी कंट्री है, यहाँ हमारी इज्जत है. आज हम लोग यहाँ जो बिजनेस करते हैं बहुत अचीवमेंट फील होती है. सब बड़ों से मैंने बहुत सीखा है, अपने वालिद साहब से, अपने ताया से, मुनीर अंकल से, अपने कज़न से, बड़े भाई से, पूरी फैमिली से मुझे बड़ा सीखने को मिला है. हर किसी के साथ हमने अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट किया है. किसी में कोई अच्छाई थी, किसी में कोई थी, किसी का कोई बिजनेस हैबिट्स अच्छी थी, किसी की कोई अच्छी थी, कोई लीडरशिप क्वालिटी थी. तो सालों से हमें बड़ा सीखने को मिला है. और सब हमारे कजन्स ने, मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे ताया चाचा सब ने बहुत स्ट्रगल करके ये बिजनेस वगैरह बनाया है. सब ने बड़ा हार्ड वर्क किया है. आज फैमिली बिजनेस की लोग हमारे ग्रुप की एग्जांपल देते हैं. तो आज हम लोग जो काम वगैरह कर रहे हैं हमारे सारे कजन्स की और सब फैमिली मेंबर्स की यही कोशिश होती है कि हम जितनी मेहनत कर सकें ताकि हम अपने ग्रुप को और ऊपर ले जा सकें और तरक्की कर सकें. हमारे जो बड़े हैं उनकी सुपरविजन होती है चीज़ों में, बट डे टू डे अफेयर में हमारी अब यंग जनरेशन इन्वॉल्व है. और यंग जनरेशन जो है वही अब सारा मेन बिजनेस वगैरह देख रही है. सो देयर इज अ बूम इन द टेक्सटाइल सेक्टर राइट नाउ. तो बूम अब कितना, व्हाट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी? अबाउट वन ऑफ द बेस्ट ईयर कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो 2020 गया, या जो यू आर टॉकिंग अबाउट 2021 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है. आप पाकिस्तान में कह लेंगे टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा था. और 21 के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी ओपन हो, उन लोगों ने भी काम स्टार्ट कर दिया. मगर एक चीज जो मैं कहूंगा थोड़ी आपके लिए अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर दुनिया के हुआ करते थे, पाकिस्तानी कॉटन के. आज हमारी कॉटन क्रॉप बहुत कम हो गई है. एग्जैक्टली. मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चरिंग प्रोडक्ट और कॉटन हमारी बहुत कम हो गई है, जो कि कॉटन क्रॉप हमारी ज्यादा आनी चाहिए थी.
लास्ट ईयर भी हमारी क्रॉप एबनॉर्मल शॉर्टफॉल आया है जो कि इतना नहीं आना चाहिए था, उसकी वजह से ये होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करनी पड़ती है। कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट वगैरह कम हो तो मुल्क के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए फेवरेबल होता है। बट हमारे यहाँ ये है कि कॉटन बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, लोग पाकिस्तानी कॉटन में पूरा डिपेंडेंट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, कॉटन का क्रॉप शॉर्ट है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, मगर उनको चाहिए कि कॉटन में रिसर्च डेवलपमेंट में और ज़्यादा काम होना चाहिए ताकि हमारी कॉटन वगैरह ज़्यादा मुल्क में आए, ताकि हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें जी, हम इम्पोर्ट की जगह बल्कि हमारे पास ज़्यादा कॉटन हो, ताकि हमारे यहाँ वैसे भी टेक्सटाइल जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान इंडस्ट्री की। तो मैं समझता हूँ कॉटन शॉर्टफॉल हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो हर साल इम्प्रूव होनी चाहिए। एक टाइम हम लोगों की कोई 1,40,00,000 बेल के करीब भी आई होगी, लास्ट टाइम 55-60 लाख बेल कह लें, बहुत बड़ा जी गैप उसमें आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करवाई है, हमारे अपने ग्रुप ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करवाई है कॉटन अभी भी। तो मैं समझता हूँ कि हमें कॉटन जो है चाहिए कि हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो और अब ये प्रोड्यूस हो सा क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम अगर प्रॉपर सीड रिसर्च डेवलपमेंट और प्रॉपर कहते हैं ना इंटेंशन अगर एक चीज की हो तो चीजें अच्छी हो सकती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, हम हर चीज गवर्नमेंट में भी नहीं डाल सकते, हमें बिजनेसमैन को, हमें गवर्नमेंट को, हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको चाहिए कि मिलकर हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाएं। मैं समझता हूँ कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, अगर हम कहें हर चीज़ गवर्नमेंट ने करनी है तो वो भी ठीक नहीं है, हम बिजनेसमैन को भी ठीक करना है मगर गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि ये टीम वर्क से काम चलता है, हम कोई भी काम अच्छा करते हैं इट्स बिकॉज ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो मेरा तो ये बिलीव है स्ट्रांग। सो वेयर डू यू सी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जनरल 5 years डाउन द रोड? देखिए जी, हम लोगों ने तो जब ये टफ टाइम था कोरोना का तो बहुत लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री बंद कर दो या ये कर दो, हमने इस टाइम के अंदर बल्कि उल्टा ग्रोथ की तरफ अपने आप को ले गए। अच्छा, हम लोगों ने चीजों को और बेहतर किया है। लोग कहते हैं कि जी डाउन साइजिंग कर दें, हालात खराब अगर हो गए हैं, हमने तो इस टाइम के अंदर भी बल्कि अपने आप को ये सोचा कि हम अपने आप को और बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं। तो इसकी वजह से अल्लाह ने और बरकत दी है, हमारी टेक्सटाइल का काम और बेहतर हुआ है, हम लोगों ने और ग्रोथ की है, हमारे आप कह रहे हैं और स्पिंडल्स ऐड हुए होंगे और हमारी ग्रोथ भी हुई है और हम लोग वैल्यू एडेड यार्न्स वगैरह ऑलरेडी बना रहे हैं और हम लोग आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले गए हैं और हमारा सारा स्टाफ टीम हर कोई बहुत खुश है कि इन हालात में भी इन लोगों ने जो है एक अच्छा एथिकली बड़ा अच्छा सारा किया और टीम ने भी हमारा साथ दिया और हम लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया और इसकी वजह से मैं कहूँगा कि बहुत काम में और बरकत आई है। लेट्स टॉक अबाउट कोरोना एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना इन जनरल ऑन इकॉनमी। देखिए जी, कोरोना जो है एक आप कह लें कि अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान में बल्कि बेहतरी इस सेंस में कह लें, मैंने देखा है दुनिया में कितनी खराबी भी आई बट पाकिस्तान में अल्लाह ने मदद की और मैं समझता हूँ दुनिया में हर जगह अल्लाह सबकी मदद करे, वो कहते हैं ना सबके लिए दुआ और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए तो अल्लाह खुद के लिए अच्छा करता है। भी अच्छा तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना के दिनों में बहुत टफ टाइम दुनिया में आया तो हम सब पूरी दुनिया में एक दूसरे का सबको साथ दे के दुआ करनी चाहिए कि बीमारी जल्द ख़त्म हो। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सारों ने, चाहे हमारी गवर्नमेंट है चाहे पाकिस्तान आर्मी है, हर किसी का रोल आप देखें कोरोना में बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है और सब ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है जितना मैनेज कर सकें। कुछ हमारे जानने वाले दुनिया से चले गए बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ये सोच के होता है कि बस ये एक आजमाइश आई हुई है। मैं समझता हूँ कोई कहता है ना कि जी ये अजाब है या ये है, तो मैं कहता हूँ ये एक आजमाइश है और ये एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, इसमें इंशाल्लाह जल्द सारे इस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया के लिए मैं दुआ करता हूँ कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। इकोनॉमी को कितना झटका दिया है कोरोना ने? इकोनॉमी को जी शुरू में काफी टफ टाइम वगैरह इसमें आने लगा तो उसके बाद आज आप देखें तो चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं। आज हम मुल्क में देखें तो प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट है, इंडस्ट्री है, हर चीज बेहतरी की तरफ आ रही है। शुरू में कुछ चीजों में स्लो डाउन लग रहा था बट आज चीजें माशाल्लाह पॉजिटिव और बेहतरी की तरफ आ रही है और मैं समझता हूँ कि सारों ने कोरोना के दिनों में बिना बिजनेसमैन का रोल देखें तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। उन लोगों ने आप कह लें कोरोना फंड अलग चीज़ों में हॉस्पिटल्स वगैरह में जहाँ जहाँ सोशल वर्क जो जो कर सकते थे वो सारों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा रोल अदा किया है। हम लोग खुद हमारे बड़ों ने भेजा था, हम लोग कजन्स वगैरह गए थे तो हमारी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब से, जब कोरोना के दिन शुरू में आए थे तो हम लोग गए थे उनको भी मिलने और हमारी खुद कोशिश थी कि जहाँ हम पाकिस्तान के लिए अच्छा रोल अदा कर सकें क्योंकि देखें जी मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो अल्लाह और बरकत देगा अगर हम बेहतरी की तरफ चीज़ों को करें। तो यही रीज़न है कि हमने इस टफ टाइम पर भी कह लें कि हम पिच पे खड़े रहे हैं और अल्लाह ने इसमें यह बरकत डाली है कि हमारी टेक्सटाइल में भी ग्रोथ हुई है। अच्छा, और आज हम माशाल्लाह बेहतरी की तरफ हैं जबकि लास्ट ईयर मतलब इन सारी कंपनीज में व्हाटएवर वाज टफेस्ट टाइम था ठीक है, उसके बावजूद हमारी कंपनी ने आप कह लें लास्ट ईयर
बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है एक कंपनी ने या सारी ने ओवरऑल सब कंपनीज का देयर वाज नो रिटेंशन आपने किसी की कोई सैलरीज नहीं कट डाउन की हम लोग तो बहुत बल्कि आपको पता है हमारा ग्रुप तो कहता है कि अच्छा बोनस और अच्छी इंक्रीमेंट्स और हर चीज ऑन टाइम हो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए अच्छा कर सकें क्योंकि आपकी टीम ही आपका एसेट है यही अच्छा काम करती है आपको चलाती है और आज इनकी वजह से ही हमारी ग्रोथ होती है और हम तरक्की कर सकते हैं सो योर कंपनी ऑल्सो योर टेक्सटाइल्स आप में आप रिटेल में भी आए ना बाय द नेम बाय द वे आई गेस जी रिटेल में मेरे बेसिकली ये कजन वगैरह हैं उसको देख रहे हैं अच्छा तो सो दैट्स अनदर कंपनी उसको देख रहे हैं बट हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है और हम सब बिजनेस एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ठीक है दीन टेक्सटाइल हमारा एक काम है मेन जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं और उसके बाद हमारा ये पोल्ट्री का हमने सेटअप वगैरह लगाया था अच्छा क्या जी जी वो हमने लगाया था 300,000 कह लें 3,00,000 की करीब हमारी कैपेसिटी थी वहाँ पे जो हमने बर्ड्स वगैरह की उसके बाद हम लोगों का ये एनर्जी की तरफ हम आ रहे हैं क्योंकि मुल्क में आपको पता है एनर्जी शॉर्टेज वगैरह है तो हम लोग एनर्जी की तरफ भी आ रहे हैं विंड पावर वगैरह हम लोग जी जी वो भी हम लगा रहे हैं बट हमारे यहाँ ये है कि वी आर इनटू जॉइंट फैमिली बिजनेस तो कोई चीज बड़े भाई देखते हैं कोई चीज कजन देखते हैं ठीक है तो मतलब हम लोग और आपकी अम्ब्रेला के अंदर टेक्सटाइल मिला थी मैं मेनली टेक्सटाइल देखता हूँ तो मेरे जिम्मे मेनली टेक्सटाइल है अच्छा ओके ऑलराइट ओके तो हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप आपकी नजर में लीडरशिप क्या है देखें जी लीडरशिप ये है कि हम लोग अपने अंदर एक विजन रखें लॉन्ग टर्म दूसरे की पेन को हम समझें अगर किसी पे एक टफ टाइम आया हुआ है तो हम उसका भी ख्याल रखें अगर हमें लीडरशिप क्वालिटी है हम लोग अपने आप को क्रिएटिव करें इनोवेटिव करें आज आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी में कभी सोचा था कि कितनी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी क्या हमने सोचा था कि ये कोरोना के बाद बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड हो जाएगा बिल्कुल तो हम लोगों को चाहिए कि हर वक्त एक चेंज को सोचें कि मुल्क में या दुनिया में एक चेंज आ जाता है टोटल चेंज जो पुराने वक्तों में होता है वो इतनी ग्रोथ नहीं कर सकता अब आज अब स्मार्टफोन और चीज़ों को देखें टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है वक्त के साथ इलेक्ट्रिक कार्स और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आज आप इंडस्ट्री में देखें कि हमारी अगर एक पुरानी मशीन है और नई मशीन है तो एफिशिएंसी का इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि हमें एक डिफरेंस उसका नज़र आ जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमें वक्त के साथ चेंज की तरफ भी आना चाहिए सक्सेसफुल लोगों की तरफ हमें आना चाहिए हम लोगों को सेमिनार और चीज़ों को ज़रूर कंडक्ट कराना चाहिए आप लोगों के मैनेजमेंट हाउस पे जो हमारा चक्कर लगा तो बहुत हमारे ग्रुप में हम लोगों को टीम को सीखने को मिला जो HODs वगैरह साथ आए हुए थे तो उन सालों से मैंने बाद में पूछा आपका कैसा एक्सपीरियंस था तो उन्होंने कहा हमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा सीखने को मिला तो इसी तरह मैं समझता हूँ हम लोग अपनी ग्रोथ करते रहना चाहिए हम लोग अपने HR को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और सेमिनार्स वगैरह और ज़्यादा हम लोग प्रोफेशनलिज्म मोर एक्सपोजर यू आर गिविंग टू देम मेरे अब्बू कहते हैं ना व्हेन द सिस्टम्स आर सिस्टमैटिक एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक तो मैं ये बात में बिलीव करता हूँ कि व्हेन द सिस्टम्स आर सिस्टमैटिक एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक और दूसरी चीज ये है देखें जी जो भी नई जनरेशन का आता है वो और बेहतरी करता है लीडरशिप क्वालिटी में मैं ये कहूँगा जैसे मेरे दुबई में पढ़ाई वगैरह हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई से तो मैंने वहाँ पे जब पढ़ाई कर रहा था उस वक्त तो उस वक्त काफ़ी चीज़ों में वो दुबई टुवर्ड्स डेवलपमेंट की तरफ था तो आज आप देखें तो एक वर्ल्ड क्लास जगह बना दी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन गया है वहाँ के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम मैंने उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं बल्कि मेरे रूम में भी आपको उनकी कोई बुक वगैरह नज़र आएगी तो मैंने क्योंकि वहाँ से जब ग्रेजुएशन मेरी हुई तो उन्होंने मुझे डिग्री वगैरह भी दी वहाँ पे हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी आई साउ द पिक्चर आई गेस इट्स देयर हां कि मैंने जब भी मेरा दुबई चक्कर लगे तो मैं इनकी बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ आज आप ये देखें कि उन लोगों ने बेस्ट मॉल और बेस्ट आपके लिए बिल्डिंग्स और बेस्ट मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट और इस तरह उसको उन्होंने बना दिया स्टेट ऑफ आर्ट के बंदा कहता है कि वहाँ जाएं छुट्टियों में वहाँ पे जाएं तो आज ये एक एग्जांपल है कि देखिए उन्होंने एक डेजर्ट था उस तरह की जगह थी और उसको क्या बना दिया है? तो आज ये एक एग्जांपल है तो मैं समझता हूँ जैसे उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी पाकिस्तान में हम देखें तो लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह मतलब मैं सब पॉलिटिशियंस में कहूँगा किसी में कोई अच्छी चीज़ थी तो किसी में कोई थी बिजनेसमैन में भी यहाँ हमारे कुछ में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह हैं कुछ लोग हैं हमारे मुल्क में जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनमें बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह मगर शायद हम लोग रेडी टू एक्सेप्ट नहीं है ना कि हमारे अंदर जो है उनको मजीद निखारना नहीं चाहते या मजीद उनको टेम नहीं करना चाहते ना ओके सो कैन यू प्लीज टेल मी 3 कोर कॉम्पिटेंसीज अ सीईओ मस्ट हैव एक तो जी उसका एक्टिव होना चाहिए एक्टिव उसको लोगों की प्रॉब्लम्स को और कंपनी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है पहले उसको फोरसी करना चाहिए पहले उसको सोचना चाहिए और दूसरी चीज़ होती है कि उसका एक विजन होना चाहिए उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए उसको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए जब इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है अब आज आप देखें कि हमारे कंट्री में जो पुराने रेलवेज और चीज़ें जो उस वक्त लगाई थी
काफ़ी लोगों ने आज भी कुछ सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं, या आज मैं जब दूसरे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा में मेरा काफ़ी साल रहना हुआ, ठीक है, तो जब मैं कनाडा वगैरह में रहा तो वहाँ मैंने देखा कि वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते थे, बहुत उनका एक विजन था। तो मैंने जब हाई स्कूलिंग की वहाँ पे कनाडा में, तो मैंने देखा जिस तरह लोगों का वहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन था, वो कोई बहुत आज या एक दिन का या शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो उसकी वजह से आप कह लें कि लॉन्ग टर्म एक विजन होता है उनका, उसकी वजह से वो ग्रोथ होती है। आज आप कितनी चीज़ों को देखें दुनिया में, उन लोगों ने कहीं से स्टार्ट पकड़ा और आज कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गई। आज कह लें कोई एयरलाइन की एग्जांपल ले लें, एमिरेट्स एयरलाइन की एग्जांपल ले लें, जब उनने स्टार्ट किया तो आज आप देखें वो एयरलाइन कहाँ पहुँच गई। आप काफ़ी बिजनेस मैन देखें पाकिस्तान के, जिनने स्टार्ट किया तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लेवल से स्टार्ट किया और आज वन ऑफ द लार्जेस्ट बन गए। मैं अपने बड़ों को देखूँ तो हम लोगों ने स्टार्ट जब काम किया तो हल्का हल्का ग्रोथ की, मेरे अबू उनके भाइयों में सब जब आए तो और बेहतरी आती रही, जब हम सब कज़न्स काम में आए तो हर किसी ने अपनी तरफ से और बेहतरी की। अब जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे तंदीर भाई हैं कज़न, वो पहले पूरे ग्रुप की कॉटन बाइंग देखते रहे, जो हम और उन्होंने डेलीगेट कर दिया कहते हैं कंट्रीब्यूशन कॉटन की होती है ग्रुप में टेक्सटाइल में, तो वो सारों ने मेरे जिम्मे कर दिया। तो मैंने जब एक चीज़ को प्रूव किया तो उनने और पूरे बोर्ड ने बड़ा उसका अप्रिशिएट किया और उन लोगों ने और ज़्यादा मुझे कहा कि आप देखो तो आज ऑल यूनिट्स की प्रोक्योरमेंट सारी मेरे जिम्मे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारा एक नियत इंटेंशन पॉजिटिव होती है तो चीज़ें खुद ही अच्छी हो जाती हैं। अगर हम सुबह घर से निकलें, हम ये सोच के निकलें कि हमारी नियत अच्छी है, हमने कुछ बेहतरी करनी है बिज़नेस में, तो खुद ही हमारी डिसीजंस अच्छी होंगी, हमारी खुद ही काम में बरकत आ रही होगी, खुद ही हमारी हर चीज़ पॉजिटिव होती रहेगी। और जब हम साल बाद रिज़ल्ट देखें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना चाहिए। वो एक हमने कनाडा में मैंने कोर्स किया था तो उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि व्हेन यू मेक एनी डिसीजन तो आप दूसरे के शूज पहन के देखें कि दूसरा किस परेशानी से गुजर रहा है। अब अगर मैं कहीं एक डिसीजन लेता हूँ, लेट से मेरे जिम्मे अगर एक डिसीजन है तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रोडक्शन वाले पे क्या गुजर रही है, बाइंग वाले पे क्या गुजर रही है, सेल वाले पे क्या गुजर रही है। जब मैं सारों का सोचता हूँ तो मेरी डिसीजन अच्छी हो जाती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसके एंड में ये इशू आ सकता है, इसके एंड में ये चीज़ हो तो और बेहतर हो सकती है, इसके एंड में ये हो तो ये और ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। उसमें क्या होता है कि डिसीजन आपकी खुद ही अच्छी हो जाती है और एंड में फायदा किसका होता है, वो ग्रुप का फायदा होता है। जब ग्रुप का फायदा होता है तो फायदा आपके सब एम्प्लॉइज का भी होता है और आपके ग्रुप का, आपके ग्रुप का भी होता है। और मैं तो जैसे कहता हूँ ना कि आपके मुल्क का फायदा होता है, जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा आप मुल्क में और टैक्स पे करेंगे, आपका एक और अच्छा प्रोफाइल बनेगा। आप मुल्क में जब कोई अच्छा काम वगैरह होता है, आप ये देखें कि जब हम अपने दोस्तों में बैठते हैं, हमारा ग्रुप जब सक्सेस हासिल करता है तो वी फील गुड। हमारे बड़े बैठते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे बच्चे काम अब देख रहे हैं तो दे फील गुड। यहाँ तक कि हमारे जो CFO हैं वो अपने बैचमेट्स में बैठते होंगे, हमारा चाहे प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो अपने दोस्तों में बैठता होगा, तो जब वो उनमें बैठते हैं, हमारे GM है उनके अपने इंजीनियरिंग बैचमेट्स अलग अलग जगहों में होते हैं, एट एवरी लेवल दे फील गुड ना, फील गुड। वो देखते हैं कि जी कंपनी ने ग्रोथ की, तो अब ग्रोथ में ये होता है कि जो डायरेक्टर लेवल में आप स्ट्रेटजी जब अच्छी रखेंगे तो ग्रोथ होगी, मगर जब डायरेक्टर लेवल में ही अगर स्ट्रेटजीज गलत हो रही होंगी और बंदा बिल्कुल काम में किसी का इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, स्ट्रेटजीज और डिसीजंस गलत होंगे, जब डिसीजंस गलत होंगी तो बिजनेसेस लॉस करेंगे, फिर एक डिप्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा ना। आप देखने के हर लेवल पे नुकसान क्या है, तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी है कि अगर किसी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप में मिलती है तो वो प्रूव करके दिखाए कि उसने किस तरह इसको बेहतर करना है। सो वेयर डू यू सी दीन टेक्सटाइल 5 years डाउन द रोड? देखिए जी, हम तो जब बैठते हैं हम लोग तो और ग्रोथ की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं हमने और बेहतर कैसे करना, डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम देखें वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं बोलूँ जी परफेक्ट हो गई हर चीज़ तो ऐसे नहीं है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब कितनी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप देखें वो कितने साल पहले से कितना डेवलप है, बट आज भी वो डेवलपमेंट की तरफ आ रही है। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें चाहे वो टेक्नोलॉजी की हैं, जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। और आज आप ये देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हर कोई ब्रांड नेम जानता है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो आज भी ग्रोथ मोड पे होते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है कि जो इंसान कहते हैं ना सो जाएगा बिल्कुल, तो वो पीछे रह जाएगा और लोग आगे निकल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त हमें अपने आप को ग्रोथ को भी देखना चाहिए। हम टेक्सटाइल में ये कर रहे हैं कि बहुत वैल्यू एडेड यार्न्स बना रहे थे, तो हम अपने आप को अब ये कर रहे हैं, जैसे पहले हमारी स्पिनिंग मिल्स वगैरह थी, अब हमने वीविंग मिल लगाई है। एक हमारे प्रोफाइल में जिस तरह मैंने आपको बिज़नेस में तो बताया कि दीन टेक्सटाइल है, बट उसमें पहले स्पिनिंग मिल्स होती थी,
और हमारा मिलांज के लिए एक अपना डाइंग हाउस भी है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि विविंग मिल भी लगा लिया है, तो ये हमारी आप देखें ग्रोथ हो गई। अब जब ये कोरोना के दिन है इसमें आपके नई विविंग मिल लग गई, तो इससे क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारा इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे हम और लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह देंगे, पाकिस्तान में हमारा प्रोफाइल बढ़ेगा, हम कजन्स और अपने आप को बिजी रखेंगे। जब इंसान बिजी होता है तो वो और प्रोडक्टिव सोच उसकी रहती है हमेशा। हम जब बिजनेस में अपने आप को ग्रोथ करेंगे, कितने लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, अब जब नौकरी मिलेगी ज्यादा लोगों को तो क्राइम रेट कम होगा, लोगों का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, ओवरऑल। मगर आप देखिए हम लोग साइड पे स्टॉक्स वगैरह और प्रॉपर्टी वो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं ग्रुप की, मगर उसके अलावा भी हम लोग अपने आप को समझते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह जरूर हो, क्योंकि जब इंसान सुबह काम में आए और शाम को घर जाए और बिजी रहे तो आपको एक अचीवमेंट फील होती है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह से शाम को ही काम नहीं कर रहा और मैंने सिर्फ फोन पे ही एक चीज खरीद ली बेच दी या वो काम, तो तब भी हो जाता है। मगर होगा क्या कि जब मैं बिजी नहीं रहूंगा तो जो इंसान के बच्चे हैं वो भी उसको देखेंगे कि यार ये उस तरह बिजी नहीं, खाली दिमाग, शैतान का घर, इट्स डेविल्स माइंड, इतना बिजी है। जब कोई देखता है कि उसके, मैं सुबह काम में जब निकलता हूँ तो अगर बच्चे मुझे देखते हैं कि मैं काम में सुबह आ रहा हूँ तो दे फील गुड कि भाई हमारे फादर हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब मैं इवनिंग में आता हूँ तो आई फील अचीवमेंट, माशाल्लाह अल्लाह ने जी अच्छी फैमिली मुझे दी है, तो मैं बड़ा एक अच्छा फील करता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। और काम के मामले में यह है कि अगर मैं शुरू में तो जब काम में मैं होता था तो इस तरह होता था कि मैं डिनर में बैठा होता था और सोचता मेरा कोई फोन आ जाता था तो मैं फौरन फोन उठाता था और मैं बात करने लग जाता था जबकि टीवी में डिनर लगा होता था। तो इस तरह मैं इन्वॉल्व होता था कि किसी तरीके से कोई एक अपॉर्चुनिटी या मेरी मेहनत में कहीं कमी ना आ जाए, तो वही रीज़न है कि मैंने इस काम को समझा। मगर अब मैं देखूँ तो माशाल्लाह सिस्टम्स बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हैं, जैसे मैंने बताया व्हेन द सिस्टम्स आर सिस्टमैटिक एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। हमारे मैनेजर्स वगैरह टीम वगैरह बहुत अच्छी है, हमारे आज सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं कि हमारा चेक एंड कंट्रोल बहुत अच्छा बन गया है, तो कोई चीज़ चाहे गलत हो रही हो उतनी छुट्टी नहीं है, फ़ौरन सामने आ जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इतने अच्छे हो गए हैं कि टीम भी हमें अच्छा गाइड कर रही होती है, प्लस पाकिस्तान के बेस्ट लोगों को आप कह लें तो हम उनसे काम कर रहे होते हैं। और एज यू सेड सिस्टम हमारे पास आई भी है काम करने के लिए, और वो आप कह लें हमारे एसेट हैं। और आज हम लोग जो है अलग अलग चीज़ों में हमारा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे सोशल वर्क वगैरह में इन्वॉल्व हो रहा है। दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट्स योर स्टांस ऑन सीएसआर? देखिए जी मेरे जो ताया हैं मुनीर अंकल वगैरह वो तो आपको पता है कि काफी ज्यादा सोशल वर्क वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो इसी तरह हमारे हर अंकल की मैं देखूं तो अपनी खूबी है, मेरे अब्बू की, हर किसी की कहीं ना कहीं रोल है, कोई ना कोई, काफी जगहों पे एसोसिएशन है जी। हमारा ग्रुप काफी चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे आगा खान हॉस्पिटल हो गया, शौकत खानम हो गया, इंडस हो गया, अभी इंडस हॉस्पिटल में जो है मेरे अंकल उसके फाउंडिंग मेंबर बन गए हैं, एस एम परवेज मेरे अंकल हैं उसके फाउंडिंग मेंबर बन गए हैं, तो इस तरह हमारा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है। मेरी जैसे खुद भी जिस तरह सारा फाउंडेशन वगैरह में कुछ ना कुछ आबरू हो गया, मुझे नजर भी आई था सहारा फाउंडेशन या कुछ और जगहों पे इन्वॉल्व वगैरह रहता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि देखें जी मुझे आप अभी कहें कि कोई कहता है ना कि हाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, मैं कहता हूँ मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपने बिजनेस को टाइम दूँ और बिजनेस मेरा अच्छा जाएगा मैं और सोशल वर्क में अपने आप को टाइम दे सकूँ। मतलब पॉलिटिक्स का कोई इरादा नहीं है आपका? फ्यूचर का तो जी किसी को पता नहीं होता, बट अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। बट बात यह है कि देखें जी इस मुल्क में ये होता है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके एक अच्छी सोसाइटी में बैठना उठना सलाम दुआ अच्छा, और लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, अच्छी पर्सनालिटी के लोग आए, आपकी एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा लोग ग्रैब करने की अचीवमेंट ये मिलती है कि इंसान अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करते हैं। मैंने ये देखा, मैंने काफी ग्रुप्स को देखा है पाकिस्तान के अंदर जिसमें मेरे अपने कुछ दोस्त जानने वाले भी हैं, मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, मेरे अंकल वगैरह के दोस्त हैं, जब भी वो सोशल वर्क की तरफ आए हैं तो अल्लाह ने उनके काम में और बरकत डाल दी, बल्कि उल्टा मैंने ये देखा कि काम ग्रो हुआ है उन लोगों ने उसमें किया है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो उनने जी अपने तरफ से पैसे मदद के लिए निकाल दिए, उल्टा मैं ये देखूंगा कि उनको बल्कि ज्यादा अलमिया से फिर बिजनेस हो जाता है ना, हो जाता है। और दूसरा एक अच्छी अचीवमेंट फील होती है। देखें जी ये कोरोना के दिनों में तो वाकई आप देखें कि पता चलता है कि अचानक एक बंदे को कोरोना हुआ, उसकी डेथ हो गई, एक बंदा बिल्कुल ठीक था जी वो वेंटिलेटर में आ गया, फलाना हो गया। मैं जब ये सारी सिचुएशन देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि सब चीज़ें इंसान की इधर ही रह जानी है। इंसान जब एक अच्छा काम करता है तो वो सदका जारिया है, दुनिया आखिरत इंसान अपनी अच्छी करता है। और जैसे कहते हैं दुनिया में हम जाने वाले को भी सबसे अच्छा तोहफा क्या दे सकते हैं, तो वो यही दे सकते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो एक सदका जारिया है जो हम दुनिया में अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि जब भी हम लोगों ने किसी की मदद की है तो अल्लाह ने काम वगैरह में और बरकत दी है। और मैं खुद इस एज से यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जहाँ जो अच्छा कर सकूँ और ग्रुप लेवल पे भी जो कर सकूँ, तो
मुझे बड़ी अचीवमेंट इसमें फील होती है, और जब मैं ये वाला काम हेल्प करने का करता हूँ इसमें, जिस तरह आपने सी एस आर और ये चीज़ें कही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन हम लोग जब भी कोई ग्रुप लेवल में भी बात होती है सी एस आर रिलेटेड, तो हम लोगों की बड़ी खुशी होती है कि हम मुल्क में जहाँ बेहतर पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन करें। फैसल, डिफाइन सक्सेस इन थ्री वर्ड्स। सक्सेस इन थ्री वर्ड्स। सक्सेस में जी एक तो कहूँगा कि एक इंसान सच्चाई हो, सक्सेस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इसमें ऑनेस्टी है वो सक्सेस है। और दूसरी बस मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ जैसे नियत, जैसे इंटेंशन, नियत इंटेंशन तो उसमें सक्सेस अगर हो जाती है। और हार्ड वर्क, देखिए जी एक इंसान अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा और वो कहेगा कि जी हर चीज़ मुझे फ्री में मिल जानी है, बस मैं सोचूं और मिल जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लोगों के जब अबू लोगों ने और अंकल्स ने, मुनीर अंकल ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे चाचाओं ने, सब ने जब बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, इसी तरह मेरे कजन्स में मैं देखूं, जैसे तनवीर भाई ने भी जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको वो टेक्सटाइल को स्टार्ट किया, तो वो एक कह लें कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था। मैं कहूँ जी जी ऐसी फ्री में एक चीज़ मिल जानी है तो वो नहीं होगी, हर किसी ने एक हार्ड वर्क किया है। हालांकि ही इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ दीन ग्रुप, बट इवन देन दे डिड द हार्ड वर्क। सब ने बहुत हार्ड वर्क किया जी, और आज भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम हार्ड वर्क करें, क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें सक्सेस है। अब आज हम अपने एच ओ डीज़ में देखें कि रूटीन में तो हर कोई काम कर रहा होता है, बट जो आउट ऑफ वे काम या आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहा होता है वो ज़्यादा सक्सेस हासिल करता है। अब मैं आज ये देखता हूँ कि जो जिस तरह हार्ड वर्क की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर ईद का दिन हो और कोई हम एक न्यूयॉर्क इंडेक्स है, अमेरिकन कॉटन है, या कोई डील आ रही है अच्छी, तो मेरा जो एच ओ डी होगा मैनेजर वो मेरे साथ फ़ोन पर इन टच होगा, वो कहेगा कहने कॉल यू, मुझे कॉल करेगा और मुझे कॉल करके डिस्कस करेगा। और पहली बात तो वो जो डिस्कस करेगा मैं उस वक्त ही उस चीज़ को ऑलरेडी देख रहा हूँ, हाँ, तो मैं इन टच होऊंगा। अब हम हॉलीडेज़ में जैसे जाते हैं तो हॉलीडेज़ अच्छी बना के आ जाती हैं, पूरी दुनिया घूम के आती हैं, मगर क्योंकि हमारा फ़ोन ऑन होता है तो आप कह लें कि वी आर एक्टिव फ़ोन में, तो दिन में आपने एक मिनट, दो मिनट या पाँच मिनट ही बात करनी है, बट पूरे दिन की आपकी स्ट्रेटजी हो जानी है। तो जब फ़ोन आपका ऑन है तो मैं समझता हूँ चाहे वो ईद का दिन है, चाहे वो आप यूरोप, सो यू आर ऑल टाइम, ऑल ऑफ ऑल टाइम यू आर अवेलेबल, यू आर एक्टिव, देयर इज नो एक्सक्यूज, उसमें आप हर वक्त इन टच हैं उसमें। अब जैसे मैं आज अपनी कभी फैक्ट्रीज वगैरह में जाता हूँ तो वो लाहौर से थोड़ा सा बाहर हमारी फैक्ट्रीज वगैरह, मिल्स वगैरह हैं, तो फ़ोन में मैं इन टच होता हूँ, जिसका जो भी काम हो दे कॉल मी और मैं उनके साथ अवेलेबल होता हूँ। और व्हाट्सएप में हम लोगों ने अब तो ग्रुप सिस्टम जैसे बना दिए हैं, ईमेल हमारा ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया है कि कोई चीज़ किसी से हिडन नहीं है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, सबके पास हैं, और हर चीज़ वो क्रिस्टल क्लियर है और ऑटोमेटिक सिस्टम। सो इट्स लाइक इंटेंशन, इट्स लाइक हार्ड वर्क, एंड नंबर 3 सच्चाई। आप कह लें जैसे मैंने कहा ना कि एक सच्चाई जब हर चीज़ सही, हैप्पीनेस टू फैसल, हैप्पीनेस जी मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा बैलेंस लाइफस्टाइल रखना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब बिजनेस करते हैं तो ऐसे जी बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि काम चाहे छुट्टी का दिन भी हो बंदा एक्टिव है, बट कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि 9 to 5 अगर काम है तो रात 10 बजे तक बैठे हुए, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर 9 to 5 काम बंदे का ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर मींस कि हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुबह में या हमें रात तक बैठना पड़ रहा है। हाँ, आप अगर किसी का काम का स्ट्रक्चर यही हो कि उसने जी 1 बजे आना है और 10 बजे है, वो एक अलग कि कोई टाइम जोन है सर, जैसे 9 to 5 अगर मेरा काम है तो अगर मैं ये कोशिश करूँ कि मैं बाहर बहुत ज़्यादा लंच वगैरह में ना जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन कॉल्स या बहुत ज़्यादा ऐसे वेस्ट कहीं पे ना करूँ, मैं टू द पॉइंट अपने काम में और इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी में लेके चलूँ, तो मैं 5 o'clock फ्री हो जाता हूँ। जब मैं वक्त पे घर जाऊँगा तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगा, आई प्ले स्क्वॉश जाके एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगा, मैं फैमिली को अपने टाइम दूंगा, आप बच्चों को अपने टाइम देंगे, आप फैमिली को टाइम देंगे। और दूसरा ये है कि जब आप बैलेंस लाइफस्टाइल रखेंगे, जो बिजनेस कर रहा है, कोई लोग सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ इस्लाम हमें सिखाता है म्याना रवि, वो हमें सिखाता है बैलेंस लाइफस्टाइल, हमें बिजनेस को भी टाइम देना चाहिए, हमें फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, हमें सोशल वर्क में भी टाइम देना चाहिए, हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। देखिए अगर हमारी सेहत नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को हर चीज़ में टाइम दें, अपनी लर्निंग को भी हम टाइम दें। सबसे बड़ी बात, मैं जैसे शुरू में बिजनेस में आया तो मैं लम्स यूनिवर्सिटी में कोर्सेज वगैरह होते थे, वहाँ जाके मैंने काफ़ी सेमिनार कोर्सेज वगैरह चीज़ें वगैरह अटेंड की, और आज भी हमारा लर्निंग प्रोसेस वगैरह चल रहा है, कोई ना कोई दो सेमिनार जो चीज़ें हो रही हैं मैं अटेंड करता हूँ, तो लर्निंग उसमें हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ जो आपका ये सवाल था, तो बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए, इंसान देखें जी इबादत भी करे, इंसान फैमिली को भी टाइम दे, इंसान बिजनेस को भी टाइम दे, अपनी हेल्थ को भी टाइम दे, तो फिर वो खुद ब खुद खुश रहेगा। जब आप ये करेंगे तो हर चीज़ देखें, हमारे पास 24 hours हैं दिन में, और इंसान की किसी की कितनी ज़िंदगी हो जानी है, जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसी के अंदर उसने हर चीज़ मैनेज करके चलना है। एक इंसान बोले मैं पूरी ज़िंदगी बिजनेस ही करता रह गया, एक इंसान कहे जी मैं पूरी ज़िंदगी जो है पढ़ाई करता रह गया और डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो उससे हट गया, वो भी फ़ायदा नहीं है। और एक इंसान कहे जी मैं तो बहुत
इतनी फिटनेस पे आ गया कि इंसान का जी ना बिजनेस है और ना कुछ फैमिली है, बस फिटनेस। एक इंसान का है जी, वो अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा लर्निंग में और वेकेशंस में और सब में इन्वॉल्व है और बिजनेस को टाइम नहीं दे रहा, तो वो कैसे अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा? उसके लिए इंसान को स्ट्रगल करके हार्डवर्क वगैरह भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो जी अपनी लाइफ में ही बड़ों से सुना है, लोगों को ग्रोथ होते हुए भी देखा है और लोगों की डाउनफॉल भी देखी है। तो मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि जब हम याना रवि में चलेंगे तो अल्लाह हर चीज को बेहतर कर देते हैं, तो बैलेंस लाइफस्टाइल मेरा तरफ से आंसर होगा मेन जो। फैसल, योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यूथ। यूथ को जी मैं ये कहूँगा कि उनको एक तो सच्ची बात है, सच बोलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान एक झूठ बोलता है तो उसकी वजह से उसको 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। जब इंसान एक सच बोलता है तो बेशक एक दफ़ा मुश्किल वक्त होता है उसके लिए, मगर उसको बार बार ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना उसको कोई गलत काम गलत बात की तरफ आना पड़ेगा। तो एक इंसान सच बोले, जब सच बोलेगा यूथ वगैरह, तो चीज़ें वगैरह बेहतर होती रहेंगी। दूसरा, यूथ को चाहिए कि वो इस तरह सोचे कि हम एक कंट्री हैं। यूथ ये ना सोचे कि जी मैं सिंधी हूँ, बलोची हूँ, या मैं भटान हूँ, या मैं फलाना हूँ। वो ये सोचे मैं पाकिस्तानी हूँ। और इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने आपस में जो है मुल्क में सब यूनाइटेड होके एक हैं, चीज़ों ने बेहतर करना है। चाहिए पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छा काम करती है तो दूसरे को चाहिए उसको अप्रिशिएट करे, ये नहीं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर एक बिजनेसमैन अच्छा काम कर रहा है तो दूसरों को उसको फॉलो करना चाहिए। आज बहुत बिजनेसमैन से भी हम सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी चीज़ें हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अच्छी लगेंगी, मगर कुछ चीज़ें हमें और पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज भी बहुत अच्छी लगती हैं। किसी ने कहीं कुछ डेवलपमेंट अच्छी की है, किसी ने फलाने इंडस्ट्री के लिए कभी बेहतरी की है, कभी किसी ने कोई स्टेप अच्छा किया है। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को यूथ को चाहिए कि एक तो सच बोलें, ये मेरा मेन मैसेज होगा। और साथ में जो है, जब यूथ सच की तरफ आएगा तो चीज़ें खुद ही उनकी ठीक होती रहेंगी। थैंक यू सो मच फैसल, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम हेयर एंड देन आई कंडक्टेड योर इंटरव्यू। और आज मैंने बहुत कुछ सीखा, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। और जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी वो आपकी पॉजिटिविटी है और आपका पैशन टू ग्रो एंड योर पैशन टू इंडल्ज टेक्नोलॉजी, टू इंडल्ज पॉजिटिविटी इन यू, इन योर कंपनी, इन योर एम्प्लॉयज। और आपका ये जो पॉजिटिविटी है ना, वो बहुत खूबसूरत है। एंड देन द बेस्ट थिंग इज दैट ऑल्दो कि आप इतनी अच्छे फैमिली एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से हो, बट स्टिल आप ये बिलीव करते हो कि हार्डवर्क होना चाहिए। एंड इवन योर जनरेशन, यू आर द थर्ड सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, आपके दादा ने जनरेशन वो सॉरी हाँ फिर आप लोग आए, बट स्टिल आपने अपने जब कजन्स के भी नाम लिए, अपने वालदेन के भी नाम लिए, तो आपने कहा उन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया। देन वेन यू टॉक्ड अबाउट योर कजन, आपने कहा जी उन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया। सो इट्स ऑल लाइक, एंड देन वेन यू स्टार्टेड About yourself, then you said मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया, and then still आपने कहा जी हम इतने बजे उठते हैं, तो you all believed on hard work, still you guys are doing hard work. So this is a message for our youth as well कि भाई ये सब कुछ नहीं होता कि जी वो लोग सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होते हैं और उन लोगों को काम नहीं करने पड़ते। So please guys have a look कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। अब तो मुकाबले का टाइम है, अब तो कंपटीशन का टाइम है। Yes, how hard they guys work and how much time they spend on their businesses, how much they guys work on improving themselves, on improving their companies, and how much they guys work on the technology. कि आप लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें और आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फैसल फॉर ऑल दिस पॉजिटिविटी, एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और हमने आपसे वाकई बहुत कुछ सीखा जी, आप लोग भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे और अच्छा सबके लिए अच्छा मैसेज जाए। मेरा वैसे बहुत अच्छा था आपकी आपसे छोटा सा रैपिड फायर भी किया जाए, अगर आप कहें तो जल्दी से कर भी लेते हैं। योर फेवरेट फूड हाँ फूड जी, वैसे तो एक छोटा छोटा जल्दी जल्दी जवाब देना, योर फेवरेट फूड। खाने का वैसे तो बहुत शौकीन हूँ, वैसे आप कह लें चिकन कह लें। अच्छा कलर, कलर आप कह लें ब्लू कह लें। गाड़ी, गाड़ी तो मतलब वैसे तो आप कह लें कि मैं जीप को प्रेफर करता हूँ। हाँ तो यू ड्राइव ऑन जीप। आप कितनी स्पीड पर ड्राइव करते हैं? मैं बहुत ओवर स्पीड नहीं चलाता, मैं थोड़ा विद इन लिमिट रहता हूँ। कार और बाइक? जी जी कार। मोहब्बत या इश्क? आप कह लें मेरी जो है मोहब्बत या इश्क,
मोहब्बत या इश्क पता है? बहुत प्यार करता अच्छा। मैंने तो नहीं कहा कि वाइफ के अलावा किसी से प्यार करते हैं। अच्छा ओके, फेवरेट ड्रामा कभी देखा आपने? आजकल तो मैं अर्तुगोल जो टीवी पे चल रहा है अच्छा देख रहा हूँ। और वैसे मैंने वो एदे वफा भी देखा है, ड्रामा आजकल अर्तुगोल मैं देख रहा हूँ, उसको मैं अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं उर्दू में वो जो उसकी ट्रांसलेशन वगैरह आ रही है उसके साथ उसको देख रहा हूँ, उसमें काफी मैसेजेस वगैरह हैं काफी, बल्कि जो आपने नहीं कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ जवाब देना है बेस्ट ड्रामा। सो यू सेड एदे वफा, ओके अर्तुगोल, अर्तुगोल ऑलराइट। मूवी मूवी अब पुरानी बचपन की भी बता सकते हैं। मूवी अब इतना स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा। अच्छा ओके, बेस्ट एक्टर? एक्टर मैं सेंस में कहूंगा, मतलब आप ड्रामो में कहेंगे किस नहीं, मूवी एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी, उसमें यह है कि मुझे उनके वैसे हुमायूं सईद के ड्रामे अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपका योर रोल मॉडल? रोल मॉडल देखें जी, सबसे पहले तो सवाल का सिर्फ जवाब देना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, रोल मॉडल। अगर रोल मॉडल आप वन वर्ड में कहें तो मैं कहूंगा फिर होली प्रॉफिट कहेंगे। ओह वाओ वाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाओ वाओ, नो डाउट कि वो एक वाकई परफेक्ट। टू पीपल क्लोज टू यू? क्लोज टू इसमें यह है कि वैसे तो नो, स्टोनली नेम टू पीपल क्लोज टू यू। इसमें यह है कि मैं एक तो मेरी अपना, मैं इसमें ये कहूंगा कि अम्मी बहुत ज्यादा मेरे क्लोज हैं, तो अब्बू भी मेरे बहुत क्लोज हैं सारे, बस अच्छा वाइफ भी बहुत क्लोज हैं, बस तीन हो गए, तीन हो गए, ठीक है इट्स ऑलराइट। अच्छा आप नाउ यू टेल अस टू, बच्चे भी बहुत क्लोज हैं, टू थिंग्स यू नोटिस व्हेन यू मीट समवन, व्हेन यू मीट समवन, तो टू थिंग्स यू नोटिस। देखिए जी, आप जब किसी के साथ मिलते हैं तो आपके पता टू, बस जस्ट टेल टू थिंग्स, टू थिंग्स व्हेन यू मीट समवन, कैरेक्टर कह लें किसी का, वो तो पता ही नहीं चलता। जी जी, कैरेक्टर का आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ जहाँ लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स मतलब के एक नेगेटिव पॉलिटिक्स जैसे, ठीक है, तो वो एक हो गया। और दूसरा मैं समझता हूँ कि किसी और की चीज का क्रेडिट खुद लोग ले रहे होते हैं, जबकि मैं समझता हूँ जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। नो एक्सप्लेनेशन। टू डेस्टिनेशंस यू वांट टू विजिट? देखिए जी, एक तो दुबई मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, नंबर टू। और वैसे तो अगर मैं, नो नो, ओनली प्लेस, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। वैसे आप देखें तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है अपना कनाडा, बहुत अच्छा लगता है कनाडा। ओके, टू थिंग्स यू मिस इन योर अबाउट योर चाइल्डहुड? चाइल्डहुड मुझे लगता है कि चाइल्डहुड के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा वैसे तो गुजरा है वक्त हमेशा, मगर मैं इसमें आप कहूँ कि क्या मिस करूँ, तो डेफिनेटली उस वक्त कुछ चीज़ों में ये था कि आज जिसने हम बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, उस वक्त फ्रीडम ज़्यादा होती थी, साइकिल में हम बाहर दूर भी निकल जाते थे तो इतनी फिक्र नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं होती, तो उस वक्त ये होता था कि हम ज़्यादा कह लें कि ये नहीं होता था कि बहुत ये फिक्र नहीं होती थी कि दूसरा क्या सोच रहे हैं, ज़्यादा जरा ईजी होते थे, बहुत ईजी होता था। आज ये होता है कि आप डेफिनेटली यू कैन नॉट इवन अलाउ योर किड्स टू रूम अराउंड लाइक दैट, बिल्कुल आज के थोड़े से हालात डिफरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस रेप, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोग आए, थैंक यू सो, और होपफुली मैंने आप लोगों को अच्छा क्लियर किया। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा।